आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बोदला क्षेत्र में ईंट की मंडी के पास एक गेस्ट हाउस में क्षत्रिय जिला सभा का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान क्षत्रियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही क्षत्रियों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी क्या होगी, इस पर विचार मंथन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती के साथ हुई। भगवान श्री राम की आरती करते हुए ये सभी लोग क्षत्रिय जिला सभा के सदस्य हैं। विजयदशमी के पर्व पर क्षत्रिय जिला सभा आगरा का एक सम्मान समारोह बोदला क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौजूद सदस्यों को मंच पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये आज कार्यक्रम क्षत्रिय सभा जिला आगरा का विजयदशमी पर्व का कार्यक्रम था। ये हम हर साल करते चले आ रहे हैं और हम क्षत्रियों का एक यही एक पर्व है हमारा, उसको हम जो है हर साल बड़े धूमधाम से और बड़े पूरे क्षत्रिय समाज के साथ में मनाते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं और हमेशा इस तरह से ही चलता आया। सम्मान समारोह से पहले बारिश होने की वजह से कम लोग पहुंचे। इस अवसर पर क्षत्रियों का कहना था कि सरकार क्षत्रियों को उपेक्षित कर रही है। भगवान श्री राम की तस्वीर के बगल में मुगलों से देश की रक्षा करने वाले और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप की भी तस्वीर लगी हुई दिखाई दी। क्षत्रिय समाज बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हम निचले पायदान पे आ चुके हैं। इनकी तो किसी को परवाही नहीं है। जैसे मैं अभी आपसे आरक्षण की बात करूँ कि 10% आरक्षण कहाँ पर था, वो लागू क्यों नहीं किया गया, कहाँ पर है? हमको तो ऐसा लगता है कि हम कहीं भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, हम जो कह रहे हैं, हम तो इसके विरोध में हैं, लेकिन मजबूरी हमारी, हम क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग जो है। क्षत्रियों का कहना है कि प्रदेश के मुखिया क्षत्रिय हैं, लेकिन वो सभी समाज की सोचते हैं, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के सिपहसालार ऐसा नहीं सोचते हैं। 2022 के चुनाव में क्षत्रियों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी समारोह में विचार मंथन किया गया। नहीं, ऐसा है, ये हमारे यहाँ आज चुनार लोग बुलाए गए हैं, यहाँ भीड़ नहीं बुलाई गई है और ये सब बुद्धिजीवी है। एक एक व्यक्ति, एक एक क्षत्रिय कम से कम 1,000 को बिलोंग कर रहा है। यह कोई भीड़ों का सवाल नहीं है। तो ये सहस्र बाहुबली हैं सभी है। नहीं, बाहुबली नहीं है, ये समाज सेवी हैं सर। बाहुबली कोई नहीं इसमें, ये समाज सेवा। देखिए, हमारे क्षत्रियों ने देश हित में राज वो अपनी राजगद्दी छोड़ी। दशहरा के पर्व पर ये जिला अध्यक्ष राजेश सिंह सिकरवार ने यहाँ कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें आगरा जनपद से, खैरागढ़ से, बाह तहसील से, सभी दूर आंचल से लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। और दशहरा के पर्व पर यहाँ पर सबको बधाई दी गई, शस्त्र पूजन हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि जो 2022 का चुनाव आने वाला है, इसमें क्षत्रियों की भूमिका अहम रहनी चाहिए और रहेगी। क्षत्रियों का कहना है कि 10% आरक्षण कहाँ गया। क्षत्रियों ने कहा कि वो आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आरक्षण उन्हें भी दिया जाए जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।